उल्लासनगर महानगर पालिका में आए दिन कोई ना कोई कर्मचारी एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होते ही रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। उल्लासनगर के अवैध निर्माण इसी बात का एक जीता जागता उदाहरण है। आइए दिखाते हैं आपको ऐसा ही एक ताज़ा उदाहरण। उल्लासनगर में अवैध निर्माणों को प्रश्रय देने के लिए जनप्रतिनिधि, नगर सेवक तथा मनपा अधिकारी खुलेआम रिश्वत लेते हैं। टीयर गेटर और सरकारी भूखंड पर तथा आरक्षित भूखंड पर भवन बनाना, इन सभी बातों का रेट फिक्स है। हाल ही में मनपा आयुक्त पर अजीत शेख की नियुक्ति हुई है। हर आने वाला आयुक्त अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ अवैध निर्माणों पर तोड़ू कार्रवाई करता है, वही हुआ। इसके बावजूद भी इसके प्लान पास या जोखिम पर आधारित प्लान पास के बोर्ड लगाकर धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहे हैं। उल्लासनगर 5 के प्रभाग समिति 4 के अंतर्गत एक अवैध निर्माण को न तोड़ने के एवज में 30,000 रुपये की मांग की गई थी। मामला 25,000 पर तय हुआ। यही 25,000 रिश्वत लेते हुए ठाणे एंटी करप्शन ब्यूरो ने मनपा कर्मचारी रतन जाधव और रतन जाधव से सफाई कर्मचारी विजय तेजी ने सहायक आयुक्त महेंद्र पंजाबी के नाम पर रिश्वत स्वीकारते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र पंजाबी फरार बताए जा रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।